Hello, guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about organic brain disorder. In my previous video, I have explained about tick disorder in detail. If you haven't watched that video, you can check that video. So, guys, without any further delay, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो गाइस ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो या जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं ये बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं एंड ये एसोसिएटेड होते हैं ट्रांजिस्ट और परमानेंट ब्रेन डिसफंक्शन के साथ मींस इसके अंदर जो ब्रेन होता है ठीक है उसका डिसफंक्शन हो जाता है या तो शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक है ट्रांजिस टाइम के लिए या परमानेंट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है ब्रेन का डिसफंक्शन होता है मींस जो ब्रेन है वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करता ठीक है सो so, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एक बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ब्रेन है उसका डिसफंक्शन हो जाता है अच्छे से फंक्शन नहीं करता ब्रेन सो so, गाइस जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं ये मेनली दो टाइप के होते हैं ठीक है फर्स्ट वन इज़ डेलीरियम एंड सेकेंड वन इज़ डिमेंशिया ठीक है सो so जो डेलीरियम होता है ये डिसऑर्डर होता है कॉन्शियसनेस का ठीक है इसके अंदर जो पर्सन होता है उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है ठीक है लॉस हो जाती है पर्सन की कॉन्शियसनेस ठीक है अनकॉन्शियस हो जाता है मेनली इसके अंदर पर्सन नाव जो डिमेंशिया होता है ये डिसऑर्डर होता है मेमोरी का ठीक है इसमें क्या होता है जो पर्सन होता है उसकी जो मेमोरी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है ठीक है लॉस हो जाती है इसके अंदर पर्सन की मेमोरी नाव जो डेलीरियम होता है ये लेस देन सिक्स मंथ के लिए अक्कर होता है ठीक है एंड डिमेंशिया ये मोर देन सिक्स मंथ के लिए अक्र होता है सो so, जो डेलेरियम होता है डिसऑर्डर ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है ठीक है एंड ये डिमेंशिया ये लॉन्ग टाइम ले लेता है नाउ डेलेरियम रिवर्जेबल प्रोसेस होता है मीन्स ये ईजीली रिवोक हो सकता है ठीक है मीन्स ट्रीट किया जा सकता है इसको ईजीली ठीक है सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट डेलेरियम ठीक है डेलीरियम क्या होता है इट इज़ एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्ट्राइज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस डिसऑरिएंटेशन एंड डिस्टरबेंस इन परसेप्शन एंड रेस्टलेसनेस ठीक है सो जो डेलिरियम होता है ये एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है ठीक है इसके अंदर क्या होता है इम्पेयरमेंट हो जाती है एक तो कॉन्शियसनेस में ठीक है जो पर्सन है उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयरड हो जाती है ठीक है अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन एंड इम्पेयरमेंट हो जाती है पर्सन की डिसऑरिएंटेशन में मींस जो पर्सन है वो अनस्टेबल हो जाता है एंड कन्फ्यूज रहता है ठीक है एंड डिस्टर्बेंस रहती है एक तो परसैप्शन में एंड पर्सन हमेशा रेस्टलेसनेस फील करता है ठीक है इनमें डिस्टर्बेंस होती है सो गाइज नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ डेलीरियरियम सो डेलीरियम के क्या क्या कोजेज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्शंस सो so, जैसे इन्फेक्शन मैनजाइटिस हो गया एनसीफेल्टिस हो गया ये कुछ इन्फेक्शन हैं जो कोज करते हैं डेलीरियम को नाउ सेकेंड कोज होता है डेलीरियम का विटामिन डेफिशेंसी ठीक है फॉर एक्ज़ाम्पल थाइमिन, सो जब थाइमिन की डेफिशेंसी हो जाती है बॉडी के अंदर सो so ये कोज़ करता है डेलीरियम थर्ड कोज होता है कुछ मेटल्स होते हैं जैसे हैवी मेटल हो गए लेड हो गया मरकरी मैगनीज हो गया ठीक है ये कोज करते हैं डलीरियम एंड टॉक्सिनस हो गए कार्बन मोनोक्साइड हो गई ठीक है फोर्थ कोज है एनोक्सिया एनोक्सिया का मीनिंग होता है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जब नीमिया की कंडीशन में और कार्डिक फेलियर की जब कंडीशन होती है इसमें क्या होता है मेनली जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है बॉडी में एब्सेंस हो जाता है ऑक्सीजन का ठीक है जब एनोक्सिया होता है तो ये कोज़ करता है डेलिरियम को फिफ्थ सो गाइस नेक्स्ट कोज होता है मेटाबोलिक डिसडर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है इसके अंदर बॉडी में जो एसिड होता है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ठीक है नेक्स्ट कोज होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ठीक है सो ये कोज करते हैं डेलीरियम को सिक्स्थ कोज होता है एंडोक्राइन जैसे जब हाइपो या हाइपर थायरोइडिज्म हो जाता है या हाइपो या हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है ठीक है सो so ये कोज करते हैं डेलीरियम को नेक्स्ट ब्रेन पैथोलॉजी जैसे स्ट्रोक है किसी पर्सन को ब्रेन में ट्यूमर है ट्रोमा की वजह से सो इन दिस वे जो ब्रेन पैथोलॉजी है वो कोज़ करती है डेलीरियम को सो गाइस दैट्स इट ऑल अबाउट द कोजिज नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेलीरियम सो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है इमोशनल डिस्टर्बेंसिस इमोशनल डिस्टर्बेंसिस जैसे डिप्रेशन हो जाता है पर्सन को फियर रहता है एनजाइटी इरिटेबिलिटी ठीक है ये मेन साइन एंड सिम्टम है एंड नेक्स्ट कोगनेटिव डिस्टर्बेंस हो जाती जैसे इम्पेयरमेंट हो जाती है मेमोरी में थिंकिंग में ठीक है जो स्लीप वेक साइकिल होती पर्सन की वो डिस्टर्ब हो जाती है नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है इंसोमनिया इंसोमनिया मीन्स लैक ऑफ स्लीप इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंट अवेक करता पर्सन या जगता है ठीक है नाइट टाइम में या अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट क्या होता है जो परसेप्शन होता है पर्सन का उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है ठीक है इल्यूजन हेलुशिनेशन ये कोज हो जाते हैं नेक्स्ट जो अटेंशन है उसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगी ठीक है जैसे डिफ़िकल्टी फेस करेगा पर्सन शिफ्ट करने में किसी चीज़ को या फोकस करने में एंड क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस जो पर्सन की जो कॉन्शियसनेस होती है वो इम्पेयरड हो जाती है ठीक है मेनली जो पर्सन होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट साइन एंड सिम्टम नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट सो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो यूज होते हैं डायग्नोज करने के लिए जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है मेनली जो डेलीरियम है ठीक है उसको फ़र्स्ट है फिज़िकल एग्जामिनेशन सो पर्सन को प्रॉपरली फिज़िकली एग्ज़ामिन किया जाएगा ठीक है डेलीरियम को क्या डिटेक्ट करने के लिए या कॉन्शियसनेस से सफ़र तो नहीं कर रहा पर्सन ठीक है या पर्सन का जो परसेप्शन है वो डिस्टर्ब तो नहीं है सो so, ये सब चीज़ें हैं जो एग्ज़ामिन की जाएंगी सो so, नेक्स्ट सी स्कैन एम ठीक है ये भी टेस्ट होते हैं जो डायग्नोज करते हैं डेलीरियम को नेक्स्ट ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट हो गया एंड सी एस एफ एनालिस जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड होता है उसको एनालाइज किया जाता है इसमें ठीक है डिटेक्ट करने के लिए इसको सो गाइस नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डेलीरियम सो डेलीरियम को कैसे मैनेज कर सकते हैं कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे सो फर्स्ट वन है फिफ्टी परसेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया सो जब हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया सो इसके लिए पर्सन को फिफ्टी परसेंट दिया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट है विटामिन बी सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं पर्सन को विटामिन बी की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए जिसके जिससे क्या होगा जो डिमेंशिया है उसको ट्रीट किया जा सकेगा एंड हाइपोक्सिया की कंडीशन में या जब बॉडी में पर्सन की जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो रहा है तो उसके लिए पर्सन को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सकता है ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है नेक्स्ट पर्सन को आई वी फ्लूड दिया जा सकता है ठीक है फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जो बॉडी में हो जाता है डेलीरियम की वजह से उसको ट्रीट करने के लिए नेक्स्ट कुछ ड्रग्स होती हैं जो यूज़ होती हैं ठीक है डेलीरियम uh, को ट्रीट करने के लिए सो फर्स्ट वन है बेंजोडाइजी पाइन ठीक है इसमें जैसे टेन एम जी डाइजे पाम और टू एम जी लोराजी पाम है इनका यूज़ किया जा सकता है एंड नेक्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं जैसे हेलोपेरीडोल हो गई ठीक है ये यूज़ होती हैं एंड इंसुलिन प्रोवाइड कर किया जा सकता है पर्सन को हाइपर ग्लाइसेमिया के लिए हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स जो बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है उस कंडीशन में क्या देते हैं पेशेंट को इंसुलिन देते हैं नेक्स्ट कुछ थेरेपी ही होती हैं ठीक है जो दी जा सकती है डेलीरियम के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी ठीक है ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है ठीक है सो so पर्सन को एक अच्छा ऑक्यूपेशन ऑक्युपाई करने के लिए ये थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है ठीक है ताकि पर्सन है उसको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी ठीक है इसके ये जो थेरेपी होती है पूरी फैमिली को प्रोवाइड की जाती है पेशेंट की ताकि जो डेलिरियम है उसको अच्छे से ट्रीट किया जा सके ठीक है एंड जो पेशेंट उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको इम्पेयर किया जा सके नेक्स्ट रिक्रिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है पेशेंट को ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है पूरे ग्रुप को प्रोवाइड की जाती है थेरेपी ठीक है ताकि जो डेलीरियम है उसको ईजिली ट्रीट किया जा सके सो गाइज नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नर्सिंग इंटरवेंशन सो कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है डेलीरियम को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट है सो so, सबसे पहले पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए ठीक है ताकि वो सेफ फील कर सके ठीक है एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए नेक्स्ट है एलिवेट पेशेंट्स फियर एंड एनजाइटी जो परसों so, जो पेशेंट है उसका जो फियर है और एनजाइटी है उसको एलिवेट करना चाहिए ठीक है ताकि जो पेशेंट है वो रिलीफ really फील कर सके ठीक है नेक्स्ट जो फ़िज़िकल नीड्स होती है पेशेंट की उसको फुलफिल करना चाहिए एंड ओरिएंटेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं ठीक है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए नर्स को So, guys, that's it for today. I hope you understood the topic. And in our next video, we will study about dementia. So, thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel. And also hit the bell icon to get notification of my next video.